जिंदगी में तुम लगे पड़े हो पैसे कमाने में, काम करने में, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चल जाता है कि तुम 3 से 4 महीने ही जीने वाले हो। उसके बाद तो तुम सोच में पड़ जाओगे कि अब मैं क्या करूं। वैसे ही इस फिल्म की कहानी है, जिंदगी में इतना स्ट्रेस क्यों लेना और क्या ही कर जाना है, सबको यहीं पे है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है और सबको एक ना एक दिन चले ही जाना है। तो ये फिल्म आपको एक तरह से मोटिवेशन देगी और जिंदगी जीने का एक नज़रिया सिखाएगी। फिल्म में विनय पाठक ने जो एक्टिंग की है और जो फिल्म की कहानी है, आपको मज़ा आ जाएगा। विनय पाठक जो फिल्म के एक्टर हैं, मेन लीड में हैं, उनका कैरेक्टर एक अकाउंटेंट मैनेजर का है जो अपने एक फॉर्म में काम करते हैं और उन्हें एक दिन पता चल जाता है कि उनको कैंसर, 3 से 4 महीने उनके पास है। इस फिल्म में आपको जीने का एक रुख नज़र आएगा। इस फिल्म देखने के बाद आपको एक अंदर से होप निकलेगी कि ठीक है, काम तो कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब है कब नहीं है। इस लिस्ट में वो टोटल 10 चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि अपने बचपन के प्यार को प्रपोज करना, नई कार खरीदना, प्यार करना, फॉरेन ट्रिप घूमना, अपने बचपन के दोस्त से मिलना और बहुत कुछ ऐसा। वो इस टू डू लिस्ट में लिखते हैं कि आखिर उनको क्या क्या करना है। आपको ये फिल्म पूरी तरह से इमोशनल एक राइड पर ले जाएगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ज़िंदगी का राह ये फिल्म ज़रूर दिखाएगी। मुझे पता है बहुत से लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी होगी, तो इस फिल्म को देखिए और कमेंट करिए और लोगों के पास शेयर कीजिए ये वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें और फिल्म का एक वर्थ समझे और अपनी लाइफ का भी एक वर्थ समझे।